देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 मामले मिलने के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में आपको बता दें, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कोविड की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि चीन से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कर्नाटक सरकार भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को एक समीक्षा बैठक की थी। सरकार ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को हमेशा की तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा है कि कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को अवेयर किया है कि बी रेडी फॉर टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। इसके लिए जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे या मेगा सिटी, मेट्रो सिटी महाराष्ट्र में, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी अभी है या नहीं है, जो कुछ रिक्वायरमेंट है, वैक्सीनेशन की स्टेज क्या है, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स सबको अवेयर कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको जो डायरेक्टिव्स दिए है उसके मुताबिक बी अवेयर। और आपको बता दें, कुछ देशों में कोरोना केसेस में आई तेजी के बाद केंद्र की एडवाइजरी पर चंडीगढ़ में भी जल्द एक बार फिर कोविड सैंपलिंग बढ़ने वाली है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने के लिए टेस्टिंग बढ़ेगी। हर दिन 600 लोगों की जांच होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अब कोरोना केस न के बराबर है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर हमारी सहयोगी श्रेया डोंडियाल ने एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने कोरोना मामलों पर, कोविड पर, सुनिए। डॉक्टर गुलेरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हियर ऑन मिरर नाउ। COVID is not over yet. We are getting a rude reminder once again from China. But can I first come to you with a question that is plaguing the minds of all Indians? What is this new sub-variant of Omicron that we are talking about? Because 4 cases have now been detected in India. Is there reason enough for us to at least start panicking thoda sa? So I think this new variant, which you said BA.7, has been there for quite some time, and it has sort of replaced the older variants. It has been seen in India also, but I think our situation is different from that as far as China is concerned. This variant, we know, has the ability to spread more rapidly, and also it has the ability to have what we call immune escape mechanism. So these two things are making it spread rapidly in China. That is that it spreads, it's more infectious, and it is also getting people who have already had COVID or have had the vaccine are getting the infection. But our situation is different from that as far as China is concerned, because our vaccination rates are high. And like you rightly said, I would encourage all those who have not taken the booster dose to come forward and take the booster dose. But we have good immunity both because of vaccination and because of natural infection. China didn't have that. They had a zero COVID policy. And because of the zero COVID policy, a large part of the population, especially the older age group population, is still vulnerable. They have not been exposed to the infection either because of natural route or through vaccination. और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी इशिका को, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। इशिका, एक बार फिर से अगर देखा जाए, हालांकि चीन में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी भारत सरकार कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती, और इसकी वजह से आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इशिका, अरविंद केजरीवाल, वो भी एक समीक्षा बैठक करने वाले। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, क्या कुछ सतर्कता वाले जो कदम है वो लागू किया जा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने जैसे देखा है कि कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट्स हैं
वहां पर भी जो रैंडम स्क्रीनिंग है वो वापस से शुरू कर दी जाएंगी। और उसके बाद आज जो चीफ मिनिस्टर है यहां पे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक करीबन 12 बजे होगी, जिसमें डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें ये सबसे बड़ा जो वो देखेंगे वो यही होगा कि कितना दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना प्रिपेयर्ड है कोविड सिचुएशन के लिए। इसमें इस चीज का भी एनालिसिस किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं। और साथ साथ अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूँ कि यहाँ पे जो करीबन जो बेड्स हैं कोविड के वो 8211 है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 17 ऐसे हैं जो ऑक्यूपाइड है और बाकी सारे वेकेंट हैं। तो इससे ज़रूर हमें ये पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात करें दिल्ली की अस्पतालों की तो वो प्रिपेयर्ड है इसके लिए। और साथ साथ अगर हम टेस्टिंग की भी बात करें तो करीबन 2000 से ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में पाए गए हैं। अभी अगर हम बात करें साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स के भी जो MD हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है इसके लिए। और इसी के ऊपर आज एक बैठक होगी चीफ मिनिस्टर की, जिसमें वो आगे की क्या क्या मेजर्स है, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होंगे उसके ऊपर भी चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर्स जो भी गाइडलाइंस जारी करेंगी वो सारी की सारी स्टेट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसे उसका पालन करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम्स को भी उतारेगा। अगर हम बात करें कोविड के आंकड़ों की अभी तक, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम कल की बात करें तो 5 केसेस आए हैं, जिसमें से एक की मौत हुई है। और फिर जो यहाँ पे कोरोना का जो संक्रमण दर है वो सिर्फ 0.19% है। तो अगर हम पूरी बात करें तो ये जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी बोल रहे हैं कि दिल्ली प्रिपेयर्ड है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अलर्ट पे रखने के लिए, क्योंकि बाहर के देशों में क्योंकि इसका संक्रमण बढ़ रहा है, तो बस एक ये अलर्ट मीटिंग होगी आज। जी जी इशिका, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार भी एयरपोर्ट पर खास तौर पर सुरक्षा बरतने का निर्देश दे दिया है कि जो बाहर से लोग आ रहे, खास तौर पर जैसे चीन से आए या फिर ऐसे जो देश है जहां पर कोरोना के मामले सक्रिय पाए जा रहे हैं, वहां के जो यात्री जब महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ जांच की व्यवस्था की जाएगी, क्या अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आइसोलेशन की व्यवस्था भी एक बार फिर से शुरू होगी जो हम कोविड काल में देखा करते थे। अभिषेक, जाहिर तौर पर पहली बात तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की बात करें और अगर मुंबई की बात करें तो डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से केसेस बाहर बढ़ रहे हैं उसके चलते एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है वो प्लीज अपना बूस्टर डोज ले, ताकि आगे अगर किसी तरीके की सिचुएशन बिगड़ती है तो हम तैयार रहे। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री है जो मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरेंगे उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही साथ कल महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है तानाजी सावंत, उन्होंने एक अहम बैठक की और उस बैठक में एक बहुत सारे इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए, खास करके 5 मेथड स्ट्रैटेजी के तौर पे एक आगे बढ़ने की सूचना दी गई। टेस्ट, ट्रैक और वैक्सीनेट करना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वापस एक बार अपने दिनचर्या में लाने की बात की गई है और ऐसे तमाम चीजें हैं। फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं और केसेस भी इतने ज्यादा अभी नहीं है, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें, लेकिन हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। बैक टू यू। बिल्कुल अभिषेक और ऋषिका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहने की बेहद जरूरत है।